नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बॉयल राइस से मसाला डोसा कैसे बनाते हैं और साथ ही बनाऊंगी मूंगफली और भुने हुए चने की चटनी। तो आइए रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आलू मसाला बनाएंगे। तो कढ़ाई को मैंने यहाँ पर गर्म कर लिया है और एक चम्मच डाला है सरसों का तेल। तड़के में लिया है एक छोटा चम्मच जीरा और इसको ब्राउन होने तक तड़कने देंगे। जीरा गोल्डन ब्राउन हो गया है। 5 से 6 हरी मिर्च को बारीक काट करके मैंने इसी समय इसमें डाल दिया। आधा छोटा चम्मच इसमें डालेंगे हींग। हींग से खुशबू बहुत अच्छी आती है। 2 कड़ी पत्ता के डंठल को मैंने अच्छे से तोड़ के और उसको धो करके और उसका पानी पोंछ लिया है। इसी समय उसको भी डाल देंगे। 1 बड़ा प्याज को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और इसको डाल करके इसमें मिला देंगे। दोस्तों, यदि आप कच्चे चावल का डोसा बनाते हैं तो उस डोसा को बनाने के बाद बहुत देर तक वो क्रिस्पी रहता है, लेकिन वहीं पर यदि आप बॉयल राइस का डोसा बनाएंगे तो जब तक गर्म रहेगा तब तक क्रिस्पी रहेगा और जैसे ही वो ठंडा होगा तो सॉफ्ट हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने स्वाद के अनुसार डाला है नमक। नमक को अच्छे से प्याज में मिला देंगे। मैंने यहाँ पर सूखे मसाले ऐड किया है। तो 1/2 चम्मच डाला है हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 1 छोटा चम्मच गरम मसाला। सारे मसालों को प्याज में अच्छी तरह से मिला लेंगे। दो बड़े टमाटर को मैंने इस तरह से बारीक काट करके लिया हुआ है और प्याज के साथ इसको अच्छी तरह से मिला देंगे और इसको ढक के लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से पकाएंगे ताकि टमाटर और प्याज एकदम से सॉफ्ट हो जाए। और ये देखिए दोस्तों, 4 से 5 मिनट हुआ है और प्याज में अच्छी तरह से टमाटर घुल गया है। 5 से 6 बड़े आलू को मैंने बॉयल करके रखा था, उसको इसी समय डाल देंगे। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उसको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को बनाने में और बनाकर आप तक लाने में बहुत मेहनत लगता है, तो आप वीडियो को देखने के बाद एक लाइक ज़रूर कीजिए, इससे हमें बहुत खुशी मिलती है। सब्सक्राइब और लाइक यदि आप करते हैं तो इसका कोई भी पैसा नहीं लगता, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो मैंने आलू का मसाला बनाया है वो बहुत सूखा लग रहा है, तो इसमें डालेंगे 1/2 गिलास के करीब पानी और पानी के साथ इसको डाल करके अच्छे से पका लेंगे। देखिए मैं इसको कैसे चला चला के पका रही हूँ। और ये देखिए दोस्तों, आलू मसाला बन करके तैयार हो गया है। अब ये डोसा बनाने के लिए रेडी है। को पीस करके मैंने रात को ही रख दिया था और ये डोसा बनाने के लिए तैयार है। यदि आपको जानना है कि इस बैटर को मैंने कैसे बनाया है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके देख सकते हैं, मैंने इसका लिंक दे दिया है। इस डोसा को मैं पैन में बनाऊंगी, तो 5 से 6 बूंद तेल डाल करके अच्छे से तवे पर मिला दिया है और एक कपड़े की हेल्प से इसको साफ कर लेंगे। एक करछी में बैटर को लेंगे और इस तरह से फैला देंगे। गैस के फ्लेम को इस समय हमने मीडियम रखा है और गोल गोल इस बैटर को घुमाते हुए इस तरह से इसका मैंने एक गोल शेप दे दिया है, बिल्कुल डोसे का शेप है। और थोड़ी देर इसको पकने देंगे। और ये देखिए दोस्तों, डोसा पक गया है और हल्का सा इसके ऊपर तेल इस तरह से लगा देंगे। और जो मैंने आलू का मसाला बना करके तैयार किया था उसके ऊपर इस तरह से लगा के फैला देंगे।
मसाला को अच्छी तरह से लगाएंगे और इसको गोल गोल इस तरह से मोड़ करके एक राउंड शेप दे देंगे। और ये देखिए कितना बढ़िया मैंने डोसा बना करके तैयार किया है। एक और बना के दिखाती हूँ आपको। तवे को मैंने अच्छी तरह से साफ कर लिया है और एक करछी बैटर को लेंगे और इस तरह से गोल गोल घुमा देंगे। डोसा को थोड़ी देर सेकने के बाद इसमें ऊपर से थोड़ा सा तेल लगा देंगे। और जो आलू का मसाला मैंने तैयार किया था उसको भी इसके ऊपर लगा देंगे। ये डोसा देखने में कितना बढ़िया लग रहा है, खाने में भी उतना ही बढ़िया लगेगा। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं और कोशिश कीजिए इसको बनने के बाद गरम गरम ही खाने के लिए। डोसा बनकर के तैयार हो गया है। अब हम चटनी बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर लिया है आधा कटोरी भुना हुआ मूंगफली, आधा कटोरी भुना हुआ चना, एक हरी मिर्च इसमें डालेंगे, तीन से चार तेल में फ्राई किया हुआ सूखी मिर्च, आठ से नौ तेल में फ्राई किया हुआ लहसुन की कलियां और एक इंच का अदरक का टुकड़ा तेल में फ्राई करके मैंने लिया है। स्वाद के अनुसार डालेंगे इसमें नमक और एक कटोरी के करीब डालेंगे इसमें पानी और इसको पीस करके तैयार कर लेंगे। और ये देखिए दोस्तों, मैंने चटनी को तैयार कर दिया है। आप चाहे तो इस चटनी को बिना तड़का लगाए भी खा सकते हैं, ये बहुत स्वादिष्ट लगेगा। लेकिन मैं इस चटनी में तड़का लगाऊंगी। तो तड़के के लिए मैंने लिया है तड़का पैन। तड़का पैन में मैंने डाला है एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल, एक से डेढ़ चम्मच पीला सरसों, दो सूखी मिर्च, आधा छोटा चम्मच हींग और दो डंडी कड़ी पत्ते का, और इसको डाल करके इसमें अच्छे से पका लेंगे। तड़का तैयार हो गया है। अब इसको चटनी में डाल देंगे। और ये देखिए दोस्तों कितना बढ़िया कलर आया है इसका। यदि आप इस चटनी को खाएंगे तो एक दो डोसा एक्स्ट्रा ही खाएंगे। ये मेरा बॉयल चावल का रेसिपी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह का और वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन की घंटी को भी ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरा अगला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। एक बार फिर से मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।